वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम नैतिक शिक्षा के एक पाठ 9 का अध्ययन करेंगे। उस पाठ में दयानंद जी के तारीफ में कुछ बातें बताई गई हैं, उसी बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए अपना काम स्टार्ट करते हैं। पाठ 9, दयानंद प्रशस्ति। सारी दुनिया जगाई दयानंद ने, धूम जग में मचाई दयानंद ने। इससे पहले एक स्टोरी है पाठ 8 में, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि मूल शंकर को वैराग्य हो गया, जिसके बाद मूल शंकर घर बार छोड़कर वह भ्रमण करने लगे, और यह मूल शंकर कोई और नहीं दयानंद जी ही थे। तो दयानंद जी जब ना घर छोड़े और पूरी दुनिया में घूमने लगे, तो वो कई नए नए अनुभवों से परिचित हुए, और वो एक महान व्यक्ति के संपर्क में आए इस दौरान, जिनका नाम था विरजानंद दंडीस। विरजानंद जी ही स्वामी दयानंद जी के गुरु थे। उन्होंने दयानंद जी को बहुत कुछ सिखाया। सारी दुनिया जगाई दयानंद ने, दयानंद जी सारी दुनिया में घूम घूम कर पाखंड का खंडन किया, सभी लोगों को सच्चाई बताया। धूम जग में मचाई दयानंद ने, दयानंद जी ने ही सारी दुनिया में ज्ञान का सागर फैलाया, लोगों को सत्य बताया, वेदों का महत्व बताया। आपको पता है कि हमारे धर्म में चार मुख्य वेद बताए गए हैं, आप जान रहे होंगे उनका नाम, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इन वेदों में जो है ईश्वर द्वारा, ईश्वर के प्रभाव से कह सकते हैं, या ईश्वर ने ही हमारे कुछ ऋषियों को यह आदेशित किया, और इसमें बताई गई बातें उनको बताया, जिसके बाद उन ऋषियों ने इन महान चार पुस्तकों का निर्माण किया, लिखा। ठीक है, तो स्वामी दयानंद जी के गुरु ने उनको इन्हीं वेदों में लिखी हुई बातों का प्रचार प्रसार करने के आदेश दिया था। तो वही चीज़ कह रहा है कि दयानंद जी ने इसको जिम्मेदारी के साथ पूरा किया, और सारी दुनिया में जो है ज्ञान का प्रकाश फैलाया, सारी दुनिया में उन्होंने धूम मचा दी वेदों की। सारी दुनिया में अज्ञान की रात थी, हर तरफ सभी लोग पाखंड में लगे हुए थे, आडंबर में लगे हुए थे, बिना मतलब के पूजा पाठ में लगे हुए थे, अंधविश्वास को मानते थे। ज्ञान ज्योति जगाई दयानंद ने, दयानंद जी ने घूम घूम कर ज्ञान की ज्योति जगाई सबके मन में। दयानंद जी और उनके साथियों ने मिलकर लोगों को तरह तरह की बीमारियों के लिए बताया कि उनका आप इलाज कराइए, न कि जो झाड़ फूँक होते हैं वो कराइए। तो उन्होंने लोगों के मन में ज्ञान भरा, लोगों को सच्चाई बताई। पाप पाखंड मंडी में हलचल मची, जब दयानंद जी और उनके साथी वेदों के प्रचार प्रसार में लग गए, सच्चाई बताने लगे, मूर्ति पूजा का खंडन करने लगे, तो जो
पाखंड मंडी में हलचल मच गई। मतलब जो लोग इनमें लगे हुए थे वो घबरा गए कि अरे अगर लोग पूजा करना छोड़ देंगे मूर्ति की तो ये मंदिर कैसे चलेंगे, ये मस्जिद कैसे चलेंगे। मुख्यतः उन्होंने हिंदू धर्म के लिए ही प्रचार प्रसार किया था। तो जो इससे जुड़े लोग थे उनके मन में बहुत हलचल मच गई। सच्ची रीति चलाई दयानंद ने, दयानंद जी ने सत्य बताना शुरू किया लोगों को। उन्होंने यह बताया कि आप मूर्ति पूजा की जगह ईश्वर को आप मान रहे हैं, अच्छी बात है, उनके मन में श्रद्धा रखी अपने मन में उनके प्रति, लेकिन मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया करके उद्धार वेदों का ऋषिराज ने। यहाँ ऋषिराज जो नाम दिया गया है ये हमारे दयानंद सरस्वती जी के लिए इस्तेमाल किया गया है कि दयानंद सरस्वती जी ही उनके गुरु। देखिए गुरु आज्ञा निभाई दयानंद ने, दयानंद जी के गुरु विरजानंद जी ने दयानंद जी को आदेश दिया था कि आप पूरी दुनिया में घूमकर वेदों का प्रचार प्रसार कीजिए और जिस वेद को लोग धीरे धीरे भूलने लगे हैं आप उस वेद का उद्धार कीजिए। तो उन्होंने गुरु की आज्ञा निभाई। देखिए इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, फिलहाल आप सुन लें प्रश्नों के उत्तर। स्वामी दयानंद से पहले कैसी रात थी, तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि स्वामी दयानंद से पहले सारी दुनिया में अज्ञान की रात थी। इस रात के अंधेरे को दूर करने के लिए दयानंद जी ने क्या किया। रात के अंधेरे का मतलब है अज्ञान के अंधेरे को। इस अज्ञान के अंधेरे को दूर करने के लिए दयानंद जी ने ज्ञान ज्योति जगाई, सबके मनों में ज्ञान की ज्योति जगाई। पाखंड की मंडी में हलचल क्यों मच गई, तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से हो सकता है कि जब दयानंद जी ने लोगों के बीच जाकर वेदों के महत्व को समझाना प्रारंभ किया तो पाखंड की मंडी में हलचल मच गई। समझ रहा है? जब स्वामी दयानंद जी ने लोगों को सच्ची रीति बताना शुरू किया, वेदों के महत्व को बताना शुरू किया और मूर्ति पूजा का खंडन किया तो पाखंड की मंडी में हलचल मच गई। दयानंद ने गुरु की आज्ञा कैसे निभाई, बताइए भाई दयानंद जी ने गुरु की आज्ञा कैसे निभाई। तो दयानंद जी ने वेदों का उद्धार करके, वेदों का प्रचार करके गुरु की आज्ञा निभाई। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, इस गीत को याद करके गुरु जी को गाकर सुनाओ। अब इस गीत में मात्र 8 लाइनें हैं, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो सबसे पहला और बड़ा प्लस पॉइंट तो ये होगा आपके लिए कि आपके एग्जाम में अक्सर 6 लाइन की 8 लाइन की कविता लिखने के लिए आती है तो वो प्रश्न आपका श्योर शॉट होता है और अगर आप याद कर लेते हैं तो आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग इस कविता को ज़रूर याद कर लें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब कर दिया है आपने तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।